मुनावर फारूकी ने सना रईस खान को कर दिया रोस्ट और कहा है कि नंबर मिल जाएगा अगर बाहर किसी लॉयर की जरूरत पड़ गई। वेल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सना रईस खान जो कि इस बार का नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद उनका एक अलग ही रूप निकल करके आया है, क्योंकि इससे पहले जो नॉमिनेशन होते थे उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो रूप है ना, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि मस्ती मजाक कर रही है, लोगों को जवाब दे रही है, हंसा रही है। विक्की भैया जिनकी आंखों में सना खटक रही थी सुबह से, लेकिन अब वो उनको बहुत अच्छी लग रही है। सना यहाँ पर रैंप वॉक कर रही होती है, मुनावर भी आके खड़े हो जाते हैं और मुनावर कहते हैं कि इसने कहा था कि मैं लॉयर हूँ, लेकिन इसका डांस देखने के बाद मतलब मुझे समझ में आ गया कि नहीं नहीं ये लॉयर ही है। और फिर यहाँ पर अंकिता वगैरह कहने लगते हैं कि तू मुन्ना को ना रैंप वॉक करके दिखा, और यहाँ पर सना रईस खान रैंप वॉक करने लगती है। उसके बाद मुन्ना का एक और पंच आ जाता है कि यहाँ पर इसकी आर्ग्यूमेंट देखी, और आर्ग्यूमेंट देखने के बाद मैं समझ गया कि नहीं नहीं ये तो डांसर है, इस तरीके पंच चल रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर सना कहती है कि यहाँ के कौन से आर्ग्यूमेंट, यहाँ के कौन से मुद्दे बाहर होती है असली आर्ग्यूमेंट, चल तुझे बाहर दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुनावर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपके बगल में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद इन दोनों की जो ना बहस टाइप की होने लगती है, ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा बहस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं। तो मुनावर कहते हैं कि नहीं नहीं बाहर तो मुझे तुमसे मिलना भी नहीं है, लेकिन चलो मजाक से हट से सारी चीज़ें मजाक से हट के अब ये बताओ कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी ना बाहर अगर मुझे किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला पंच आप समझिएगा, मुनावर जो है ना कहीं कह रहे होते हैं कि अगर बाहर मुझे किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ी तो तुमसे दूसरे लॉयर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी ना। उसके बाद सभी लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि मुनावर यहाँ पर ऐसा रोस्ट कर रहे होते हैं सना रईस खान की। लेकिन यहाँ पर आज मुझे सना का जो एक रूप था ना फनी वाला, बहुत अच्छा लगा। अगर सना पहले दिन से ऐसा यू नो बिहेव करती, इस तरीके से रहती, तो किसी की मजाल नहीं थी कि सना को कोई भी बुली करे। जैसे कि आपने आज सुबह से देखा है, लाइव फिर देख रहे होंगे कि कितना बुली किया गया है सना रईस खान को। देखिए, एक नॉर्मल जब इंसान आम इंसान आता है ना, तो बिग बॉस के घर में जिसकी फैन फॉलोइंग नहीं होती, तो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन से डर लगता ही लगता है। और फिर जब नॉमिनेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं सोचता है कि चलो लड़ लेंगे, देखेंगे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग कर रहे थे वो गलत है। फिलहाल आपका क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।